केटीएम में इस वीडियो में हम देखेंगे रेफरेंस एलिमेंट में जैसे पॉइंट, लाइन और प्लान हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, कहाँ पे हमको प्लान क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम प्लान देखते हैं। प्लान के अंदर आपको अलग अलग प्लान हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें हमारा बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑफसेट वन प्लान, पैरेलल पॉइंट, पैरेलल थ्रो पॉइंट, एंगल एंड नॉर्मल टू प्लान, थ्रो थ्री पॉइंट, थ्रो टू लाइन, थ्रो पॉइंट एंड लाइन। तो ये आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑफसेट फ्रॉम प्लान। कोई भी प्लान के ऊपर हम कैसे ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक प्लान सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एक्स वाई प्लान, और प्लान में गया और यहाँ पे हमने ऑफसेट कर दिया। तो आपको कितना ऑफसेट चाहिए प्लान से, वो आप यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो। तो मुझे 96, वो प्रेफरेंस प्लान से हमको 96 डिस्टेंस में आपको एक प्लान क्रिएट करना है। उसको आप रिजर्व डायरेक्शन भी करना है तो कर सकते हो। आपको रिपीट चाहिए तो आपको रिपीट भी कर सकते हो। और ओके करके आपको कितना आपको प्लान चाहिए, मुझे यहाँ पे आपको तीन प्लान चाहिए, तो आप तीन प्लान ऑटोमेटिक आपको क्रिएट हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4। तो इस टाइप का आप ऑफसेट से, ऑफसेट प्लान से आप ऐसे ऑफसेट से आप क्या कर सकते हो, प्लान क्रिएट कर सकते हो कितना ऑफसेट में सही। नेक्स्ट पैरेलल थ्रो पॉइंट, जैसे प्लान में गए और हमने ऑप्शन पैरेलल थ्रो पॉइंट सिलेक्ट किया, इसमें आपको पहले तो रेफरेंस चाहिए, कौन सा रेफरेंस में आपको प्लान क्रिएट करना है। मैंने रेफरेंस ये सरफेस दे दिया या ये प्लेन दे दिया, और पॉइंट में मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो जो पॉइंट सिलेक्ट किया वो रेफरेंस से आपको एक प्लान क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल एंड नॉर्मल टू प्लान, आपको अगर एंगल में आपको कोई प्लान सिलेक्ट करना है, एंगल में कोई प्लान आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने रेफरेंस एक्सिस मैंने ये दे दिया और रेफरेंस में आपको मैंने ये दे दिया, तो यहाँ पे आपको एक कितना एक्सिस में कितना एंगल में आपको प्लान क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। इस टाइप का आप एंगल में आपको प्लान क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट थ्रो थ्री पॉइंट, जैसे हमारे पास तीन पॉइंट है, जैसे मैंने एक पॉइंट एक सिलेक्ट कर दिया, दूसरा पॉइंट ये सिलेक्ट किया और तीसरा पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, प्रीव्यू किया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए तीन पॉइंट के बीच में आपको, तीनों पॉइंट आपको मिलके एक प्लान क्रिएट हो गया। तो इसमें आप थ्री पॉइंट से भी यूज़ कर सकते हो। थ्रो टू लाइन, जैसे मैंने पहले लाइन ये सिलेक्ट कर दिया, तीसरी लाइन ये सिलेक्ट किया, तो उसके बीच में आपको जो भी प्लान आएगा ना वो प्लान आपको ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने प्लान एक लाइन इधर सिलेक्ट कर दिया, दूसरी लाइन ये सिलेक्ट कर दिया, तो इसके बीचों बीच आपको क्या हो जाएगा, दोनों लाइन को जोड़ के आपको एक प्लान क्रिएट हो जाएगा। थ्रो पॉइंट एंड लाइन, जैसे मैंने पॉइंट ये सिलेक्ट कर दिया और लाइन मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, तो उसके थ्रो में आपको एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, प्लान क्रिएट कर सकते हो। थ्रो प्लानर कर्व, जैसे मैंने कर्व ये वाला सिलेक्ट कर दिया, उसके थ्रो आपको क्या हो जाएगा, एक कर्व के अंदर एक प्लान क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मल टू कर्व, ये कर्व हो गया, अगर आपको एक पॉइंट क्रिएट करना है एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ ऊपर आपको एक पॉइंट क्रिएट हो गया, और इक्वेशन लेके आप इक्वेशन भी कर सकते हो, टेंजेंट टू सरफेस कर सकते हो, सरफेस ये हो गया आपको, और पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे।
जो भी पॉइंट आपको करना है, इस टाइप का भी आप प्लान क्रिएट कर सकते हो। तो ये अलग अलग ऑप्शन से आप अलग अलग प्लान वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको लाइन क्रिएट करना है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मुझे ये पॉइंट से मैंने प्लान हाइड कर देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लाइन क्रिएट करना है, तो इस टाइप का आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट एंड डायरेक्शन, जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया और उसको आपको डायरेक्शन दे दिया, कौन सा डायरेक्शन में आपको करना है, वो डायरेक्शन से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। एंगल नॉर्मल टू कर्व, आपको कर्व सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है, आपको और कितने एंगल में करना है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और स्टार्ट लेन और एंड लेन आप यहाँ पे देख सकते हो कितना देना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट क्रिएट करना है, तो अलग अलग पॉइंट ऑप्शन कोऑर्डिनेट यूज़ करके आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। कार्व के ऊपर आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर आप डिस्टेंस या रेशियो भी आप देख सकते हो, आप कितना रेशियो में आपको करना है। तो इस टाइप का अलग अलग ऑप्शन से आप अलग अलग पॉइंट लाइन और प्लान आप क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।